27वीं कमेटी के रूप में अरगड़ा चौक मार्केट कमेटी का विधिवत गठन। बिहार प्रदेश अध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस राजेश गुरनानी के नेतृत्व में वेल्डिंग एक्ट 2014 के तहत कटिहार नगरीय क्षेत्र में 27वीं कमेटी के रूप में अरगड़ा चौक मार्केट कमेटी का विधिवत गठन किया गया। आप लोग को देने का योजना आया है नगर निगम में, ठीक है। तो नगर निगम में जब आया, इससे पहले भी जब हम यहाँ वापस आए थे, जब यही एक्ट को फिर से लागू कराना था और नगर निगम लागू नहीं करना चाह रहा था, तब याद होगा आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि लॉकडाउन से पहले हम 3 दिन का भूख हड़ताल किए थे। डीएम ऑफिस के बाहर में 3 दिन का भूख हड़ताल था। तो भूख हड़ताल के बाद लॉकडाउन लग गया तो हमको लगा कि भूख हड़ताल मेरा खराब हो गया, ऐसा फीलिंग हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया रहा क्योंकि हम भेज चुके थे ऊपर तक। इस 86 सदस्यीय मार्केट कमेटी में 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन आम सभा के द्वारा हुआ। इस आय सभा की अध्यक्षता टीवीसी सदस्य चंद्रभूषण ठाकुर ने की और टीएलएफ अध्यक्ष विशुन देव प्रसाद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। 11 सदस्यीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष जगन्नाथ चौधरी, उपाध्यक्ष शंभू कुमार दास और राम शाह, सचिव राजेश सिन्हा, उप सचिव चंद्रशेखर मालाकार एवं मुनीलाल शाह कोषाध्यक्ष, अनंत लाल शर्मा मीडिया प्रभारी, संजीत कुमार गुप्ता और उमर अली, राजकुमार महतो और मनी चौधरी। इस सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस राजेश गुरनानी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं नगर आयुक्त महोदय आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, नगर आयुक्त महोदय आप बिल्कुल चेत जाइए इस बारे में कि अगर एक भी असंगठित मजदूर को, कामगार को अगर आपने अहित, आपके द्वारा अहित हुआ या उसको केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा नहीं मिला या फिर किसी भी कारण से, तकनीकी कारण से आप समय पर वहां पर दिल्ली में जमा नहीं करवा पाए, ऑनलाइन हो नहीं पाया, ये पूरी जिम्मेवारी आपकी है और इस बार आपको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सावधान रहिए नगर आयुक्त महोदय, ये स्वनिधि रोजगार योजना के अंतर्गत आपके पास जो 4,500 जो कामगारों को देने की योग्यता है, क्षमता है या जो भी पैसा आया हुआ है, एक भी कामगार का पैसा वापस गया तो निश्चित रूप से कटिहार की धरती पर आपके विरुद्ध आंदोलन होगा और तमाम कामगार, कटिहार के 8,000 कामगार इस एक छत पर आएंगे और आपका निलंबन, आपका बर्खास्त की इस मैटर पर तय रहेगा। इसलिए अभी भी चेत जाइए कि जितने भी आपके पास 4,500 लोग पैसा आया हुआ है और आप निश्चित रूप से अविलंब उसको बांटना शुरू कीजिए और जैसे जैसे बट रहा है लोगों को राहत, इस लॉकडाउन में राहत पहुंचाने का काम कीजिए। आपने देखा लगातार आत्महत्या की सोच बढ़ रही है, भूखे पेट क्या करेंगे लोग, न उसका काम हो रहा है आगे, न उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो रही है आगे, न उसके काम धंधों की कोई तरह की सिक्योरिटी हो रही है आगे। और अगर पैसा तो आपकी जेब से तो नहीं दे रहे हैं, सरकार का योजना है उसको भी अगर आप भली भांति पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको पद पर बने रहने का कोई न तो औचित्य है न प्रमाण है, कोई तरह का आपका पद पर बने रहने का औचित्य नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अविलंब 10,000 रुपये देने का प्रयास कीजिए और इसी क्रम में नगर निगम के सहयोग के लिए हमने अब तक 27वां कमेटी आज बना हमारा मार्केट कमेटी, इसमें 86 मेंबर हैं। ये तमाम कमेटी हम नगर निगम के समर्थन देने के, नगर निगम को सहयोग करने के लगातार बना रहे हैं ताकि नगर निगम जो सर्वे करें, नगर निगम के पास जो आवेदन आए, थोक के भाव आए और सारा लोगों का काम वो अपने अपने कर्मचारियों के माध्यम से करता जाए। तो हम सिर्फ नगर निगम के सहयोग के लिए तमाम सभी जगह जा जा करके हम लोग कमेटी बना रहे हैं और वो कमेटी वेंडिंग एक्ट 2014 के अंतर्गत है, इसलिए कानून सम्मत काम है, कोई तरह की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बिल्कुल कानून सम्मत काम है। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कटिहार नगर निगम अपनी कार्यशैली को आप बदले, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मैं राजेश गुरनानी टीवीसी मेंबर होने के नाते आगाह कर रहा हूँ कि अगर बहुत लोगों को नहीं मिला या कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं आप किसी भी कारण से, चाहे पैसा लेकर आपके कर्मचारी कर रहे हैं काम या किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, तो ये सारी जिम्मेवारी आपकी है।